एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको काले चने, और बहुत क्विक और फटाफट बनने वाले हैं। ये 2 कप काला चना, देसी चना, मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया है, देखिए, और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको कुकर में चढ़ाएंगे, और ये देखिए गैस को हमने ऑन कर दिया है, वो पानी हमने निकाल दिया है, और ये हम फ्रेश पानी इसमें डाल रहे हैं। चने अच्छे से डूब जाएं, 1 इंच पानी इनके ऊपर तक रहे, कुकर में जले नहीं, उस हिसाब से आप ये पानी डालें इसमें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एक डालेंगे हम इसमें तेज पत्ता, और हम डाल रहे हैं इसमें 1 बड़ी इलायची, जिसपे मैंने हल्का सा कूट दिया है, जरा सा मुँह खुल गया है, 2 लौंग हैं, और नमक है स्वाद के अनुसार। तो ये हम इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे और कुकर को बंद करेंगे, नमक इसमें मिक्स हो जाए। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल भी डालूंगी, ये ऑयल डाल देंगे इसमें। इससे क्या है, एक तो पानी बाहर नहीं निकलता है और चने फटते नहीं हैं। तो कुकर बंद करते हैं, 3-4 विसल आने के बाद हम इसको स्लो गैस पर पकाएंगे। हमने 5-6 विसल लगाने के बाद गैस को सिम कर दिया और 10 मिनट तक गैस को सिम रहने दिया, और अब कुकर का प्रेशर जो है वो रिलीज हो गया है। ये देखिए, अब हम चेक करते हैं। देखिए, कुकर टू कुकर डिपेंड करता है, और चना जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है, इसमें तेज पत्ते की खुशबू समा गई है, पानी भी परफेक्ट रहा है। और मैं यहां आपको दिखा दूं, इतना सॉफ्ट चना होना चाहिए कि जरा सा दबाते ही ना बहुत अच्छे से गल जाए। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा, और बिल्कुल देखिए मैश हो रहा है ऐसे। तो ऐसा गला हुआ चना होगा तो ना तो वो आपको नुकसान करेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमारे चने जो हैं वो बनकर तैयार हैं। अगर आपका चना इतना नहीं गलता है तो आप दोबारा से विसल लगा दीजिए, सिम करके रख दीजिए। पानी हमने ऑलरेडी इतना डाला है कि ये जलने वाला नहीं है कुकर में, तो आप खोल कर बीच में चेक कर लें, और अगर नहीं गला है तो दोबारा से इसको विसल लगाने के लिए रख दें। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा चना हम मिक्सी के जार में डालेंगे, थोड़ा पानी डाल के इसको ठंडा होने देंगे। मैं आपको पीसने के लिए जल्दी से दिखा रही हूं। ये सोचिए आप, करीब हमने 1 कप चना बॉइल्ड इसमें ले लिया है, और ये आप देख रहे हैं बाकी इसमें है। इसको हम थोड़े से पानी के साथ ठंडा होने के बाद ग्राइंड करें, ये जरूर ध्यान रखें, इसको हम ग्राइंड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल गर्म होना रख दिया है, इसमें साथ में मैं 1 चम्मच घी भी डाल रही हूं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको गर्म होने देते हैं। 1 चम्मच डाल रहे हैं हम इसमें जीरा, और थोड़ा सा डाल रहे हैं हींग, 2 पिंच हींग। चने में, राजमा में आपको हींग जरूर डालना चाहिए, या चने की दाल है उसमें भी। और ये देखिए, मैंने प्याज को चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है, 1 सी प्याज चॉप हो जाती हैं। ये 3 प्याज ली है मैंने, इनको भी हम इसमें डाल लेते हैं, और ये फटाफट बनने वाले हैं। अगर आप पीस के बनाते हैं ना तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, और इस तरह से चने बनाने में टाइम जो है वो बहुत कम लगता है। तो इसको हम भुनने देते हैं प्याज को अच्छी तरह से। ये देखिए, 7-8 कलियां लहसुन की मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो बारीक चॉप कर सकते हैं। और 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक है, यानी 1 इंच के करीब मैंने अदरक जो है वो ग्रेट कर लिया है। इसकी भी खुशबू इसमें बहुत अच्छी आती है लहसुन की, इसको भी हम प्याज के साथ पकाएंगे अच्छे से। ये 1 हरी मिर्च और 3 टमाटर को हम बारीक काट लेंगे या पीस लेंगे, जैसा आपको मन करे, दोनों तरह से आप डाल सकते हैं। तो मैं ये काट कर डाल रही हूँ। ये देखिए, प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गई है, ब्राउन हो गई है, बस इसी समय पे हमें इसमें मसाले डालने हैं। पहले हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, और धनिया पाउडर मैं 1 टेबलस्पून यहाँ यूज कर रही हूँ, धनिया टेबलस्पून थोड़ा ज्यादा डालना है। यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और रेड चिली पाउडर भी, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तो 1 टेबलस्पून के करीब हम इसको यूज करेंगे। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये किचन किंग 1 चम्मच, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो चना मसाला यूज कर सकते हैं,
ये देखिए अच्छे से भुन गया है, धीमी आंच पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया भुन गया है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, मैंने चॉपर में ही इसको बारीक काट लिया है, एक हरी मिर्च और टमाटर को, क्योंकि पहले जो मैंने रेसिपी आपको बताई है वो मैंने पीस के बताई है। और ये वाली जो रेसिपी है ये हम चॉप करके बता रहे हैं ताकि आपको जल्दी ये बनाना आ जाए, जल्दी से बन जाए। जो भी इसमें ये टमाटर लगा हुआ था वो हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको निकाल लिया है, वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। और इसको मिक्स करेंगे, और चाहे आप इस समय इसको ढककर पका सकते हैं, जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते, भुनता नहीं अच्छे से, तब तक हमें इसे चलाते हैं, मतलब वेट करना है इसका। और ये देखिए कुछ चना मैंने इसमें पीस लिया था, जिसको भी मैं इस समय डाल दूंगी। पीसने से सब्जी का कलर जरूर थोड़ा सा चेंज होता है, बट टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पीसने के बाद अगर कलर गड़बड़ लग रहा है सब्जी का, तो बाद में एक तड़का लगा सकते हैं, जो मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी। ये सारा हमने इसमें डाल दिया है, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको सबको ढककर भुनने देंगे। थोड़ा दरदरा पीसा है हमने इसको। एक रीजन तो इसका ये है कि आप कम टमाटर प्याज से भी आप इसको बना सकते हैं, और तरी जो है वो इसकी गाढ़ी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, चने अलग पानी अलग दिखाई देता है, ऐसा नहीं होता है, और ये लिपटमा चने बन जाते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार। ये देखिए ये बहुत अच्छे से भुन गया है, और टमाटर भी बिल्कुल इसमें मैश हो गए हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब ये रेडी है, हम इसको कुकर में डाल लेते हैं और इसको इसमें डाल देंगे। और जितना हमें इसकी ग्रेवी बनानी है उसमें हमें उतना पानी डाल के हम इसको व्हिसल लगाएंगे। अगर आपको इतनी ही ग्रेवी रखनी है तो आप ऐसे रख सकते हैं। मैं इसको चावल के साथ बना रही हूं, तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी डालूंगी। इसमें मैंने बॉइल्ड वाटर ले लिया है, और इस समय हमें हमेशा बॉइल ही यूज करना चाहिए। और ये डाल रही हूं मैं कसूरी मेथी क्रश करके। इसको करते हैं अच्छे से मिक्स, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और एक विसल मैं अब इसमें लगाऊंगी और हमारे छोले तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कुकर हमने खोल लिया, एक विसल के बाद ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, और तरी भी बिल्कुल बराबर है। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे और थोड़ा ऊपर से गार्निश करेंगे। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। अब ऊपर से हम कलर के लिए एक चम्मच घी ले रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं हम दो ये हरी मिर्च। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, स्किप भी कर सकते हैं। दो हरी मिर्च को हम ऐसे तड़का लगाएंगे। हरी मिर्च में तड़का लग गया है, ऐसे हमने इसको फ्राई कर लिया है, आप अलग से भी खा सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे हम कश्मीरी मिर्ची पाउडर, और अब इसको करते हैं सर्व। तो ये देखिए अगर कलर हमें इम्प्रूव करना है, मैं दिखाऊं यहाँ आपको कितनी अच्छी ग्रेवी है इसकी, और कलर इम्प्रूव करना है तो ये देखिए थोड़ा सा देसी घी का तड़का आप लगा दें, और फिर देखिए इसका कमाल है ना, बढ़िया टेस्टी सब्जी। आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, पर अगर आपको ये ऐसे सर्व करना है तो जरूर करिए। थोड़ा सा डालते हैं ऊपर से हरा धनिया, लग रहा है ना यम्मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।